मेरे YouTube चैनल पुष्पा की पाठशाला में आपका स्वागत है। हम आज बनाने जा रहे हैं लस्सी। मैं आपको बता देती हूँ कि लस्सी कैसे बनानी। मैंने 1 किलो दही लिया लस्सी के लिए। इस दही को थोड़ा सा मत लेंगे। इसके लिए मैंने क्या क्या सामग्री ली मैं आपको बता दें। 150 ग्राम शक्कर है और काजू पिस्ता बादाम की कतरन है। इस चम्मच से 1 चम्मच इलायची पाउडर है और 1/2 गिलास दूध लिया है मैंने, जो गर्म करके वापस ठंडा कर लिया और घंटा भर पहले ये 15-20 केसर के धागे दूध में डाल के भिगो दिए थे। अब इनको कैसे बनाना है मैं बताती हूँ। पहले दही को थोड़ा सा फेंट लेते हैं। 1 किलो दही है, 1 किलो दही के लिए इतनी सामग्री। दही को हमने 2 मिनट अच्छे से फेंट लिया है। अब हम दूध लेते हैं इसमें, दो कटोरे ये दूध इसमें डाल लिया। अब इसके अंदर चीनी डाल देंगे, 150 ग्राम चीनी पीस के लिए। बिना पीसे भी ले सकते हैं आप। अगर आपके पास मिश्री है तो मिश्री लेना, मिश्री सही रहती है सेहत के लिए। मेरे पास मिश्री नहीं थी तो मैंने चीनी को पीस के लिया और इसको अच्छे से पीसा, इसलिए क्योंकि जल्दी से घुल जाएगी, नहीं तो थोड़ा टाइम लगता है। अब इसमें इलायची पाउडर डाल के मिक्स करते हैं। अब इसमें केसर वाला दूध डाल देते हैं। अब ये इसमें मिक्स कर देंगे। वापस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा ये जो ड्राई फ्रूट है मैंने काट के रखे हैं बारीक बारीक, ये भी इसके अंदर डाल देते हैं। अच्छे से मिक्स कर लिया लस्सी को। अगर आपने ठंडा दही नहीं लिया है, वैसे ही लिया है, तो फिर मिक्स करके आप है ना थोड़ी देर फ्रीज में रख ले, घंटा आधा घंटा, तो अच्छे से लस्सी ठंडी होगी। क्योंकि मैंने इसको 2-3 घंटे पहले फ्रीज में रख दिया था तो ये एकदम ठंडा है दही। लस्सी ठंडी ठंडी अच्छी लगती। अब हम ग्लास में डालते हैं, आप देख सकते कैसी बना। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना और लस्सी बना के, गर्मी में लस्सी बहुत अच्छी लगती है, पी के देखना आप कैसी लगती है और फिर मुझे बताना कमेंट करके कैसी बनी। केसर के धागे डालने से कलर बहुत अच्छा है। केसर को आप ना 2-3 घंटे अच्छे से भिगो के रखना, उससे ना केसर का कलर बहुत अच्छा आएगा। अब हम इसको इस तरह से ऊपर डेकोरेट करते हैं। अगर आपके पास मक्खन है तो मक्खन डाल दो, मक्खन नहीं तो खाली ड्राई फ्रूट डाल के सर्व कर सकते हैं।